दोस्तों फिर से नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो में आप लोग जो इंटरव्यू देने के लिए जाएगा इंडस्ट्रियल में, तो आपको जरूर पूछेगा जो हमारा लाइट रहता है, वो जो लाइट हम लोग बे में लगाता हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं एक बे का अंदर हूँ, इसको हम शेड भी बोल सकते हैं। तो इस शेड में हमारा लाइट किस तरीके से लगाना है और MCB जो होता है MCB बॉक्स किस तरीके से कनेक्शन करना है, तो उसका बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा और लाइट किस तरीके से आपको लगाना चाहिए उसका बारे में भी बताऊंगा। और जो हमारा MCB है MCB को प्रैक्टिकल कैसे कनेक्शन किया है वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा पीछे ये हमारा एक MCB बॉक्स है, उसको कैसे हम किस तरीके से कनेक्शन किया है वो मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा एक शेड है, तो शेड का हम दोनों तरफ मतलब उस तरफ जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं उस तरफ भी हम साइड में कॉलम पे हमारा लाइट लगाया है, और इस साइड में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इस साइड में भी हमारा ये जो लाइट है ये लाइट हम लगाया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो लाइट है कॉलम का बीच में हम लोग लगाया है, तो ये जो हमारा दोनों साइड में जो हमारा लाइट लगाया है वो लाइट किस तरीके से हमारा काम करता है और कैसे वायरिंग किया है उसका बारे में मैं आज आप लोग को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए, तो भी आप लोग को पूरा कनेक्शन का बारे में समझ में आएगा और आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आसानी से जवाब में बता सकता है जो हमारा लाइट रहता है सेट का अंदर उसको किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है। चले फ्रेंड्स वीडियो आगे मैं आप लोग को MCB का कनेक्शन बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा MCB बॉक्स है, तो MCB बॉक्स आपको सेम इसी तरीके से कनेक्शन करना पड़ेगा, आपका लाइट का हिसाब से आप कनेक्शन कर सकता है। तो मैं इस डिज़ाइन इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें हमारा कुछ भी लाइट में प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंगल पोल कुछ MCB चाहिए जो कि हम लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए यूज करेगा, और जो हमारा मेन एक MCB लिया हूँ जो कि हमारा 4 पोल वाला MCB है। आप लोग जैसे देख रहे हैं ये हमारा रेटिंग देख रहा है हमारा C63 मतलब 63 एम्पियर वाला हम 4 पोल वाला एक MCB लिया हूँ। तो MCB का जगह पे आप RCCB यूज कर सकते हैं 63 एम्पियर, लेकिन इधर से हमको आउटपुट लेना है जो हमारा सिंगल पोल MCB आप लोग देख रहे हैं, तो इधर से हमारा के लाइट कनेक्शन हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए हम कनेक्शन किया है, मैं पहले आप लोग को कनेक्शन समझा देता हूँ। जैसे कि ये जो हमारा 4 पोल वाला MCB देख रहा है इसका नीचे में हम आर फेज वाई फेज बी फेज और न्यूट्रल कनेक्शन किया है। जैसा हम इस MCB जो है MCB को हम ऑन करेगा तो हमारा जो सप्लाई है वो हमारा क्या आगे में आ जाएगा, तो इधर से हम लूपिंग करके कनेक्शन किया है। दोस्तों MCB का किस तरीके से आपको लूपिंग करके कनेक्शन करना है उसका वीडियो तो हमारा चैनल पे है। जैसा हमारा ये MCB हमारा ऑन हो जाएगा तो हमारा सप्लाई जो है वो आगे हमारा ये जो सिंगल पोल MCB है इसका ऊपर वाला टर्मिनल में सप्लाई हमारा इनपुट हो गया है। जैसा हम MCB को ऑन करेगा तो हमारा MCB का नीचे में हमारा सप्लाई लाइट के लिए जा रहा है, और न्यूट्रल को हम ऐसा ही कनेक्शन कर दिया हूँ डायरेक्ट, ये जो TV देख रहे हैं इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर दें तो इधर से हम न्यूट्रल के लिए लाइट के लिए लेके जा रहा हूँ। और जो हमारा इस वाला जो वायर देख रहा है ये हमारा क्या अलग अलग लाइट के हम सप्लाई लेके जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन करने का फ़ायदा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कभी भी आपका लाइट जो है मान लीजिए इसमें हमारा 5 MCB कनेक्शन है, तो 5 MCB में हम 10 लाइट कनेक्शन किया है, एक एक MCB में हम 2 लाइट करके कनेक्शन किया है, तो कभी भी आपका 2 लाइट में प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, क्योंकि आप इसमें मार्किंग कर सकता है कॉलम का नंबर हिसाब से, मतलब 10 नंबर कॉलम पर हमारा इस वाला MCB मतलब 5 नंबर MCB लगा है। उसका बाद आप इस साइड से कनेक्शन कर सकते हैं, जैसा इसमें हमारा कौन सा लाइट में कनेक्शन किया आप इधर लिख सकते हैं, जैसा हम जिस टाइम पे वायरिंग करेगा उस टाइम पे आप कॉलम का हिसाब से इसमें लिख सकता है जो हमारा 15 नंबर कॉलम पे इस वाला MCC से सप्लाई किया है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा आपका कौन सा लाइट में प्रॉब्लम होगा। और दोस्तों कभी भी ये जो आप लोग लाइट देख रहे हैं इस लाइट में आपका कभी भी प्रॉब्लम होगा, मतलब इस लाइट में आपका प्रॉब्लम हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए जैसा हम MCB को ऑन करेगा, जैसा हम सिंगल पोल वाला MCB इसीलिए दोस्तों लगाया क्योंकि एक एक MCB को हम ऑन करके आसानी से एक एक MCB जो होता है MCB को हम ऑन करके हमारा प्रॉब्लम जो है आसानी से ढूंढ सकता है, क्योंकि कभी भी आपका एक लाइट पे प्रॉब्लम होगा तो सभी लाइट आपका बंद हो जाएगा। आप इसमें एक MCB जो है 10 एम्पियर वाला रेटिंग वाला है तो इसमें आप 5 लाइट चला सकता है, आपका जो लाइट वाट है उसका हिसाब से आपको MCB फिटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप चेक कर लेने का आपका जो लाइट है वो कितना वाट का है उसका हिसाब से आपको सिंगल पोल MCB लगाना पड़ेगा, तो उसका हिसाब से आप 10 एम्पियर लगा सकते हैं, 6 एम्पियर लगा सकते हैं, 16 एम्पियर लगा सकते हैं, तो आपका वो लाइट के हिसाब से आपको लगाना है। तो मैं आप लोग को तरीका इसीलिए बता रहा हूँ, तो इसमें क्या कभी भी आपका 2 लाइट में प्रॉब्लम हो जाएगा तो और जो दूसरा लाइट है वो हमारा जलेगा, क्योंकि इधर से हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है
और जो हम इधर से जो कनेक्शन किया है आर फेज में 2 MCB कनेक्शन किया है, वाई फेज में हम 2 MCB कनेक्शन किया है, और जो हमारा बी फेज है उसमें भी हम 1 MCB अभी कनेक्शन किया है। इसमें आप 2-3 MCB कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा आर फेज होगा, वाई फेज होगा, बी फेज होगा, तो उसमें हमारा इक्वली बैलेंस से हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एम्पियर मतलब लोड हमारा इक्वली कैलकुलेशन होगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो आर फेज है, वाई फेज है, बी फेज है, तो इसमें हमारा इक्वली सप्लाई मतलब जो करंट रेटिंग है, वो जो लाइट है, लाइट का जो एम्पियर है, वो हमारा इक्वली कैलकुलेशन होगा। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो लोड है उसका परसेंटेज जो है वो हमारा प्रॉपरली रहेगा। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी आप MCB का बॉक्स कनेक्शन करने का, तो इस तरीके से करने का, आप पहले एक 4 पोल MCB लेने का, तो उसका साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आर फेज, वाई फेज, बी फेज कनेक्शन करना है। उसके बाद आउटपुट से आप जो कनेक्शन करेगा, इसमें आप जो सिंगल पोल MCB है, इसमें भी आप आर फेज में 2 लगाइए, वाई फेज में 2 लगाइए, बी फेज में 2 लगाइए। तो आपका लाइट के हिसाब से मैं खाली आप लोग को तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप कनेक्शन करेगा तो कभी भी आपका आर फेज में प्रॉब्लम होगा तो आर फेज का ही लाइट खाली जलेगा, नहीं वाई फेज का जलेगा। आप एक ही फेज में मतलब रेड फेज में आप पूरा लाइट कनेक्शन कर देगा तो कभी भी आपका क्या रेड फेज में प्रॉब्लम होगा सभी लाइट बंद हो जाएगा। तो आप अलग अलग फेज में सप्लाई लेके रखेगा, कभी भी आपका आर फेज में प्रॉब्लम होगा तो दूसरा लाइट आपका जलेगा, तो आपका जो प्लांट है मतलब प्लांट का अंदर आपका अंधेरा नहीं रहेगा, आपका जो प्लांट है वो आपका आसानी से प्लांट के अंदर आपको लाइट देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इंटरव्यू में पूछेगा तो आप इस तरीके से कनेक्शन बताएगा तो आप इंटरव्यू में आसानी से पास हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मेरा जो बे है उसमें हम साइड में लाइट लगाया तो हमारा जो लाइट है वो हमारा जल रहा है। तो मैं थोड़ा आप लोग को घुमा घुमा के देखा देता हूँ। इस तरीके से आप लाइट कनेक्शन करेगा तो आपका लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से जलेगा। कोई भी MCB आप बंद करेगा तो आपका सब लाइट बंद नहीं होगा, एक MCB बंद करेगा तो उसके साथ जो कनेक्शन है वही आपका बंद होगा। जैसा हमारा MCB अभी सभी ऑन है, तो एक जैसा मैं बंद करता हूँ तो हमारा देख रहा है दूसरा लाइट हमारा ये वाला लाइट हमारा चालू है, तो इसमें बंद करता हूँ तो हमारा क्या लास्ट वाला जो बंद करेगा इसको बंद करेगा तो ये हमारा लाइट बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप MCB को कनेक्शन कर सकते हैं दोस्तों।